हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी। जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है और रोज़ कुछ ना कुछ खाने को मन करता है और हर टाइम फ्राइड आइटम भी हम नहीं खा सकते, तो कुछ ऐसी जो हेल्दी भी हो और स्पाइसी भी हो और बनाने में भी आसान हो, ऐसी ही रेसिपी आज आपके लिए लेके आई हूँ, जो है भुने हुए स्पाइसी चने। आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मेन तो इसके लिए हमें चने ही चाहिए भुने हुए, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बिना नमक वाले चने लेके आने, अगर आप नमक वाले चने लेकर आते हो तो उसमें नमक थोड़ा सा ही डाल लें। ये मेरे चने जो हैं ये बिना नमक वाले हैं, ये 125 ग्राम के करीब है एक बड़ा बोल चनों का। और आधा टी स्पून मैंने देसी घी का लिया, अ पिंच ऑफ काली मिर्च ली है, 1/4 टी स्पून मैंने लाल मिर्च का लिया, 1/2 टी स्पून मैंने नमक का लिया और 1/4 टी स्पून मैंने आमचूर पाउडर का लिया। इसके लिए सबसे पहले हम इसको एक प्लेट में डालकर चने छिलके निकाल लेते हैं। बड़ी आसानी से उतर जाते हैं ये छिलके। मार्केट में बिना छिलके वाले भी चने अवेलेबल हैं, मेरे पास यही थे तो मैं इसके छिलके भी बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। आप चाहें तो वो भी लेके आ सकते हैं, उसका भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से सारे छिलके उतर जाते हैं। देखिए ये सारे छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब ये एक पैन लेंगे जिसको गैस पर रखकर गैस चला देंगे। गैस की बिल्कुल फ्लेम जो है स्लो ही रखेंगे। उसमें हम ये हमारा घी डाल देंगे। साथ ही इसमें मिर्च, काली मिर्च, नमक और आमचूर पाउडर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर ही हम ये भुने हुए चने डाल देंगे। फ्लेम बंद कर देंगे अब हम, क्योंकि चने हमारे पहले से ही भुने हुए हैं। ये देखिए हमारे स्पाइसी भुने हुए चने तैयार हो चुके। अब बारिश का आनंद लीजिए, साथ साथ चने खाइए। देखिए ये हमारे स्पाइसी भुने हुए चने बनकर तैयार हो चुके। आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, काली मिर्च या आमचूर पाउडर या घी, जैसे भी आप पसंद करते हो वैसे डाल सकते हो। हमारे घर में जैसे पसंद करते हैं हल्का फुल्का, मैंने इसलिए थोड़ा कम ही डाला है। आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।